दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ही वर्ल्ड कप जीते इस बार का, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैच जीतने के बाद जब बाबर आजम ने इरफान पठान के साथ बदतमीजी करी है ना, तो पूरा भारत देश भड़क गया है। और अब बाबर आजम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए यूसुफ पठान, इरफान के भाई भी मैदान में उतर गए हैं। आखिरकार यूसुफ पठान ने क्या करारा जवाब दिया अपने अंदाज में, उनके बयान का पूरा वीडियो और जवाब का भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बाबर ने क्या इरफान के साथ ये घटिया हरकत लड़ाई कर बीच मैदान में सही किया या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर हाँ या ना बताइएगा। दोस्तों एक तरफ विश्व कप चल रहा है, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की टीम की अलग ही लड़ाइयां चल रही हैं। कभी बड़बोला पाकिस्तान आईसीसी के पास हमारे देश के फैंस की कंप्लेंट लेकर पहुंच जाता है, तो कभी उन्हें दूसरे टीमों के जश्न और हमारे एंकर्स के सेलिब्रेशन से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दो बार से नहीं, तीन तीन बार से अफगानिस्तान की टीम ने शानदार जीत दर्ज करी है। और जब पाकिस्तान को उन्होंने हराया था, इरफान पठान क्या खूब मैदान में झूमे थे राशिद खान के साथ। और हाल फिलहाल में अफगानिस्तान की एक और जीत के बाद कुछ ऐसे ही नाचते नजर आए स्टूडियो में दोस्तों इरफान पठान। और लगता है कि इरफान पठान से इसीलिए सभी के सभी पाकिस्तानी दिग्गज बुरी तरीके से नाराज थे। वो अक्सर मौका मिलने पर उन पर टिप्पणी करते, उनकी बुराइयां करते। और दोस्तों हाल फिलहाल में जब पाकिस्तान ने मैच जीता तो कुछ और ही वाक्य देखा गया। जीत कर कमबैक किया है, पांचवें नंबर पर पॉइंट टेबल में आ गए हैं। लेकिन जीत के बाद जैसे ही इरफान और बाबर एक दूसरे के सामने आए ना मैच खत्म होने के बाद, तब गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि बाबर ने ढंग से ना तो हाथ मिलाया इरफान के साथ, बल्कि कुछ तू तू मैं भी दोनों के बीच में होती हुई हमें नजर आई थी। और दोस्तों इस वाक्य को देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि इरफान पठान जैसे दिग्गज के साथ इतनी बदसलूकी हो भला कौन सहन कर सकता है। इसी बात पर दोस्तों यूसुफ पठान यानी कि इरफान के भाई ने ऐसा करारा जवाब दिया है ना, जो बाबर आजम अपने जिंदगी के अंत तक याद रखेंगे। दोस्तों आपको बता देंगे, इतनी गंदी बदसलूकी पर यूसुफ पठान ने जवाब देते हुए कहा, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई एंकर जश्न मना रहा है तो वो केवल इसलिए नहीं मना रहा कि उसकी फेवरेट टीम जीत रही है, वो उस टीम के लिए जश्न मना रहा है जो टीम मेहनत करके नीचे से उठकर ऊपर आ रही है। क्या ऐसी टीमों को हमें ग्लोबल स्तर पर प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए तो क्रिकेट इवॉल्व कैसे होगा, पहली बात तो ये। और दूसरा, इरफान पठान राशिद खान के बहुत करीबी हैं, इसीलिए अफगानिस्तान की जीत में उनको भी बहुत खुशी होती है। और भारत अफगानिस्तान के रिश्ते भारत पाकिस्तान से कई बेहतर व कई अच्छे हैं, इसीलिए वो उनकी जीत के जश्न में शामिल होते हैं और अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो घटिया हरकत बाबर आजम ने की है ना, उससे मुझे एक बात तो क्लियर पता चल गई है कि बाबर आजम एक नंबर के घटिया किस्म के खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ ना तो वो नंबर वन होना डिजर्व करते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी केवल मैदान पर नहीं मैदान के बाहर भी उतनी ही बेकार है जितनी उनकी परफॉर्मेंस है। आज वो भले ही एक मैच जीत कर इरफान से इस तरीके की बदतमीजी कर गए, शायद उस समय मैं वहां पर मौजूद होता तो बाबर को दो टुक नहीं सीधा जवाब दे डालता। मुझे लगता है कि बाबर आजम को क्रिकेट खेलने से पहले एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेनी चाहिए। इरफान इसी तरीके सेलिब्रेट करते रहेंगे और जश्न मनाते रहेंगे। दोस्तों यूसुफ का जवाब वाकई में तगड़ा है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या बाबर आजम पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं, नीचे हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।